सफ़र किया, गूगल मैप ने हमें घुमाया और फाइनली हम आके पहुँचे यहाँ। सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल, दिस इज सुमित और मैं आपको लेके आया हूँ पुणे में छुपी हुई एक यूनिक जगह पर। और यहाँ पे पूरा महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल गांव जो होता है वैसा दिखाने का पूरा ट्राई किया गया था। चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं हमें यहाँ क्या मिलता है। इस जगह पर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं वक्त में बहुत पीछे चला गया हूँ। अगर पंचायत नहीं देखी हो तो ये मेरे पीछे चल रही है पंचायत, वो बैठे पांच पंच। गांव का सबसे फेवरेट चीज़ जो होता है मेले में या फिर यात्रा में जो लगी जाती है वो होता है तमाशा। तो यहाँ तमाशा चल रहा है, वैसे सॉन्ग्स मुझे नहीं पता क्या है लेकिन यहाँ तमाशा आया हुआ है। भड़कते भड़कते फाइनली अब हम आ गए गांव के मार्केट में, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ बताई गई है कि पूछो मत। जैसे पीछे वहाँ मेरे दशहरा का सीन बनाया हुआ है, रावण राम जी वगैरह, उसके बाद यहाँ पे पीछे कुश्ती का सीन बनाया हुआ है। ये भी यहाँ पे जब मेला वगैरह लगता है गांव में तब कुश्ती अरेंज की जाती थी, तो यहाँ पे इसका भी सीन लगाया हुआ है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन आप पीछे अगर चलो मेरे साथ तो यहाँ पे मार्केट का सीन बनाया हुआ है उन्होंने। तो देख लिया लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी नहीं वो अब देखते हैं। यहां लिखा हुआ है शिम्पी, शिम्पी बोले तो टेलर। ये रहे हमारे टेलर साहब। इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद और इतना घूमने के बाद अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ घूमूं, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ घूम रहा हूँ। यहाँ घूमते घूमते वक्त कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली ये जगह इतनी औसम है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग पुणे शोर।